हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर जो बात करने वाले हैं इस वीडियो में मॉडल सेट हिस्ट्री का, जी हाँ दोस्तों, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2019 का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा का मॉडल सेट हिस्ट्री का यहाँ पे सोल्यूशन करने वाले हैं 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का, जो आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो पर जो है शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, और इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर वीडियो के नीचे जो लाल रंग में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको भी दबा दीजिए, और दबाने के बाद एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जो आपको इसी तरह का हम जितने भी वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जो है मिलता रहे समय समय पर, आप इस वीडियो का लाभ उठाते रहें। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं दोस्तों हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर की ओर। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक दोस्तों, ताकि आपको जो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपको याद हो जाए। ठीक है, रट ले इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया है अध्यक्ष के द्वारा, क्योंकि इसी तरह के जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो बने रहना लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये जो है आपका मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से आपका प्राप्त हुआ है, एक का बी आपका राइट आंसर है। दो नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता है, तो ये थी दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता था, तो ये दो का डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तीन नंबर क्वेश्चन है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है दोस्तों, अब के मतलब अभी के अनुसार। ठीक है, कालीबंगा जो है कहाँ स्थित है, ये आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कालीबंगा भारत में ही स्थित है, जो राजस्थान राज्य में पड़ता है कालीबंगा। तीन का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चार नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी निवासियों को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो जैसे ही इस सिंधु घाटी वासियों के बात आती है दोस्तों, तो यहाँ पे किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो ये था लोहा धातु जो था उसका ज्ञान उस सबको नहीं था। सोना चांदी तांबा ये सबका ज्ञान था, लेकिन लोहा का जो उसको ज्ञान नहीं था। चार का सी आपका राइट आंसर है। पांच नंबर है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। इसका तो आंसर आप लोग जानते होंगे, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था। पांच का ए। ठीक है, छह नंबर है कि अशोक किस वंश का शासक था। ठीक है, अशोक जो है वो किस वंश का शासक था, ये था दोस्तों मौर्य वंश का ही शासक था, लेकिन मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन यहाँ पे अशोक किस वंश का शासक था, तो ये था आपका मौर्य वंश का ही शासक था। छः का बी। सात नंबर है कि किस शासक को प्रियदर्शनी या प्रियदर्शी कहा गया है, ये आपको अशोक को ही कहा गया है। ठीक है दोस्तों, सात का ए यहाँ पे राइट आंसर है, अशोक को ही प्रियदर्शनी कहा गया है, शासक अशोक शासक को। सात का ए यहाँ पे राइट आंसर है। आठ है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। प्रयाग प्रशस्ति एक मतलब कि जो है बुक का नाम है, प्रयाग प्रशस्ति ग्रंथ का की रचना किसने की थी, तो ये जो की थी दोस्तों यहाँ पे हरि सेन ने किया था। ठीक है, हरि सेन ने। आठ का सी, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो हरि सेन ने। ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों, आप लोग रट लो इस प्रश्न को, इस तरह के जितने भी प्रश्न है एक नंबर का उसको रट लो। गंगा पुत्र किसे कहा जाता था, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था, तो ये था भीष्म को कहा जाता था। भीष्म जो आप लोग पढ़ते हैं महाभारत में, भीष्म को जो है गंगा पुत्र कहा जाता था। दस नंबर है कि महाभारत की लड़ाई कितने दिन चली थी। महाभारत की जो लड़ाई थी वो कितने दिन चली थी, तो ये थी चली थी दोस्तों 18 दिन। ठीक है, 10 का बी 18 दिन चली थी। 11 है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर का जो जन्म है वो हुआ था लुम्बिनी वन में। ठीक है, ये तो हुआ था आपका, यहाँ पे महावीर का पूछा जा रहा है, लेकिन लुम्बिनी जो है आपका हुआ था गौतम बुद्ध का। यहाँ पे महावीर का राइट आंसर है कुंडलग्राम। ठीक है, कुंडलग्राम यानी राजगीर में हुआ था, वैशाली में हुआ था, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में कुंडलग्राम पड़ता है, वहाँ पर हुआ था। 11 का सी आपका राइट आंसर है। 12 नंबर है कि स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है। ये जो था स्तूप जो है आपका संबंधित है बौद्ध धर्म से। ठीक है, बुद्ध का बौद्ध स्तूप जानते होंगे ये। 12 का जो बी आपका राइट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बादशाहनामा किसने लिखा था। बादशाहनामा किसने लिखा था, इसका जो राइट आंसर है आपका
ये अब्दुल हमीद लाहौरी लिखा था, ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था बादशाहनामा पुस्तक को। 14 नंबर है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। भारत का जो अंतिम मुगल सम्राट था वो था बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक, लेकिन बहादुर शाह जफर भी चलेगा यहाँ पे, या अगर द्वितीय भी लगा रहेगा तो ये भी चलेगा। यहाँ पे 14 का आपका राइट आंसर सी है। 15 नंबर है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 1526 ईस्वी में हुआ था। 15 का बी आपका राइट आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था। विजयनगर साम्राज्य का जो महानतम शासक कौन था, ये आपका कृष्णदेव राय था, ठीक है, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य, ये दक्षिणी भारत का है, महानतम शासक कृष्णदेव राय था। 16 का बी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे। हरिहर एवं बुक्का ये था दोस्तों आपका संगम वंश का, ठीक है, संगम वंश का शासक था। 17 का ए। 18 नंबर है कि विजयनगर की यात्रा पर आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन था, ठीक है, विजयनगर की यात्रा पर आने वाले प्रथम विदेशी का नाम निकालो कोंटी, ठीक है, निकालो कोंटी, ये 18 का ए आपका जो है राइट आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि शेख मईनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है। शेख मईनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, तो ये आपका है अजमेर में, ठीक है, दरगाह जैसी नाम आता है राजस्थान में अजमेर में पड़ता है, तो 19 का ए। 20 नंबर है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान था। तलवंडी, तलवंडी जो है वो किसका जन्म स्थान था, तो गुरु नानक का, ठीक है, नानक का तलवंडी जन्म स्थान था, तो 20 का बी आपका राइट आंसर है। 21 नंबर है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। देखिए किसने शुरू किया पूछा जा रहा है, ठीक है, अगर किसने ख़त्म किया तो यह होता इल्तुतमिश, लेकिन किसने शुरू किया तो इसका जो राइट आंसर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी के नाम पे कुतुब मीनार पड़ा था, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर ही, ठीक है, 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर है कि बीजक में किसके उपदेश संग्राहित है। बीजक में जो है किसके उपदेश संग्राहित, ये था कबीर का, ठीक है, 22 का ए। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है, तो कबीर का, बीजक एक ग्रंथ का नाम है, उसमें उपदेश जितने भी दिए गए वो कबीर का ही संग्रह करके दिया गया है। 23 नंबर है कि किताब उर रेहला में किसकी यात्रा वृत्तांत है, ठीक है, किताब उर रेहला में किसकी यात्रा वृत्तांत है, तो ये आपका जो राइट आंसर आपका इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता एक विदेशी यात्रा था, विदेशी यात्री थे, उसी के बारे में किताब में वर्णन किया गया है, किताब उर रेहला में, ठीक है। 23 नंबर है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो यह था महमूद गजनवी के, ठीक है, महमूद गजनवी के साथ, 24 का बी। 25 नंबर क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था। इब्न बतूता किस देश का यात्री था, तो ये था आपका मोरक्को का, ठीक है, मोरक्को एक देश का नाम है, वहाँ के यात्री था इब्न बतूता। 26 है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था। हुमायूं नामा जो है किसने लिखा था, ये लिखा था आपका गुलबदन बेगम, ठीक है, 26 का सी आपका राइट आंसर है। 27 है कि कोल विद्रोह कब हुआ था। कोल विद्रोह यानी कब हुआ था कोल विद्रोह, ये 1831 ईस्वी में हुआ था कोल विद्रोह। 28 है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। संथाल विद्रोह के जो नेता थे वो कौन थे, ये सिद्धू कान्हू थे, ठीक है, सिद्धू कान्हू, ये झारखंड संतला संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो सिद्धू कान्हू, ठीक है, ये झारखंड में हुआ था, उसके नेता थे संथाल विद्रोह के सिद्धू कान्हू। 29 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस ने कब लागू किया। अस्थाई एक बंदोबस्त था उस जो कार्नवालिस थे उसके वैसरे वहाँ उस समय के, तो कब लागू किया था वो, तो ये जो लागू हुआ था दोस्तों 1793 ईस्वी में, ठीक है, 1793 यानी 1793 ईस्वी में हुआ था अस्थाई बंदोबस्त, कार्नवालिस ने सबसे पहले उसको लागू किया था। 30 नंबर है कि फ्रांसिस बुकानन कौन था। फ्रांसिस बुकानन कौन था, तो ये था आपका चिकित्सक था, ठीक है, 30 का बी आपका राइट आंसर है, चिकित्सक था। देखिए 31 नंबर है कि ढक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ। ढक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ था, तो ये जो हुआ था आपका 1875 में हुआ था, ठीक है, 31 का सी यहाँ पे राइट आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये तो आपको भी पता होगा दोस्तों, झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, तो ये था आपका 32 का ए हो जाएगा, झांसी।
तैंतीस है कि 1857 के विद्रोह का पटना में नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था कुंवर सिंह ने, ठीक है। 33 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, कुंवर सिंह, ये आरा का थे जगदीशपुर के, लेकिन वो पटना के नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है, 1857 के विद्रोह में। तो 33 का डी कुंवर सिंह हो जाएगा। 34 नंबर है कि 1857 के विद्रोह के भारत समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ये 34 का जो राइट आंसर है यहाँ पे आपका कैनिंग था उस समय का, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग वहाँ के उस समय के गवर्नर जनरल थे 1857 के विद्रोह के समय, ठीक है। 34 का सी। 35 नंबर क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था? देखिए 1498 में आप सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है महीना के साथ दे दिया गया, ठीक है, मंथ के साथ दे दिया गया है। अगर मंथ रहेगा यहाँ पे तो आपको याद कर लेना है कि जो है वो मई के महीना में आया था, ठीक है। 1498 तो सबको पता रहता है, लेकिन जब महीना दे दिया जाता है तो इसमें फंस जाते हैं अधिक विद्यार्थी। तो ये मई के महीना में आया था, मई 1498 में, ठीक है। 35 का बी आपका राइट आंसर है, मई 1498। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आप सभी को पता है, तो 1853 ईस्वी में हुई थी, 34 किलोमीटर की यात्रा थी मुंबई से थाने के बीच, ठीक है, ये 1853 ईस्वी था। 37 नंबर है कि गांधी चंपारण कब गए? गांधी जो चंपारण गए थे 1917 ईस्वी में गए थे, ठीक है। 37 का यहाँ पे बी राइट आंसर है। खेरा किस राज्य में स्थित है? खेरा, ठीक है, खेरा जो है किस राज्य में स्थित है? ये आपका गुजरात में स्थित है खेरा। 38 का डी। 39 नंबर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ये जानते होंगे दोस्तों, ये भयानक हत्याकांड था उस समय का, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के विरोध में वहाँ पे सभा चल रही थी, वहाँ पे जनरल डायर जो थे वहाँ पे अंधाधुन फायरिंग गोलियाँ चला दी, जिसमें हजारों की लाखों संख्या में व्यक्ति मारे गए थे। ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में आपका वहाँ पे हुआ था घटना। 40 नंबर क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? साइमन कमीशन की नियुक्ति जो हुई थी 1927 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 40 का बी, 1927 ईस्वी में काला कानून जिसको बोल सकते हैं, नहीं, साइमन कमीशन वापस जाओ बाइक, साइमन गो बाइक का नारा लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी लाठीचार्ज के द्वारा, वहाँ पर 40 का बी 1927-28 में हुआ था। सर की उपाधि किसने वापसी की थी? सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी, उसने जो है उपाधि जो है वापस कर दी थी, कब? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब, ठीक है। 41 का डी आपका राइट आंसर है। देखिए 42 नंबर है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो था गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, 42 का बी यहाँ पे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पे राजनीतिक गुरु माना जाता है और थे भी उसका, 42 का बी यहाँ पे राइट आंसर है। 43 नंबर है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1942 ईस्वी में। 43 का डी हो जाएगा, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। 1930 में क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, ये सभी महात्मा गांधी के द्वारा किया गया आंदोलन था। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका डी, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए 44 है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? बंगाल विभाजन जो हुई थी वो 1905 ईस्वी में हुई थी लॉर्ड कर्जन के समय में, ठीक है। 44 का यहाँ पे ए राइट आंसर। 45 है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन जो है वो भारत कब आया था? तो ये जो आया था दोस्तों 1948 में, ठीक है, 1948 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। 46 है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी, ये आप सभी को पता है दोस्तों, यहाँ पे डी राइट आंसर है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में, उसके जो अध्यक्ष थे व्योमस चंद्र बनर्जी थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 47 नंबर की भारत का विभाजन किस योजना का परिणाम है? भारत का विभाजन किस योजना का परिणाम है? तो ये जो था योजना दोस्तों वेवेल योजना, ठीक है, सॉरी माउंट बेटन योजना था, माउंट बेटन योजना आपका राइट आंसर। भारत का विभाजन इसी योजना के परिणाम है, माउंटबेटन योजना एक लागू किया गया था उस समय, लाया गया था, जिसके कारण जो है भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हो गया था।
48 नंबर है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये था आपका भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, B.R. अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष संविधान सभा के। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत जो है किस वर्ष गणतंत्र बना था, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना, तो ये था दोस्तों आपका 1950 में बना था। ठीक है, गणतंत्र घोषित हुआ था, संविधान लागू भारत में गणतंत्र 1950 में, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है लेकिन 1950 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1950 लिखा हुआ है। इसका जो राइट आंसर है, इंडिया बिकम ए रिपब्लिक, कब गणतंत्र हुआ था, तो 1950 में। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, इसका तो आप सब जानते होंगे दोस्तों, कब लागू किया गया था आप सभी बताएं कमेंट में मुझे। 26 जनवरी 1950 को भारत में जो है संविधान लागू हो गया था, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हिस्ट्री के यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे मैंने कर दिए हैं आप सभी के सामने, और आने वाले दिनों में यहाँ पे हिस्ट्री के और भी सेट आएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आ गया होगा, इस वीडियो को जो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताएं। ठीक है, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।